भाई मेला का भी एक अलग ही स्वैग है, टैटू गुदवाने का ना जो प्रचलन बढ़ा है, क्या गजब का है। दर्द तो इतना दे रहा होगा लेकिन क्या नहीं क्या बाबू। दोस्तों इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि शांति पारा का जो क्राउड है वो कितने हैं, कितने सारे लोग आते हैं मेला देखने के लिए, लगभग लाखों की संख्या में आपको दिखेंगे, हजारों लाखों की संख्या में ये पूरा इधर आ गया। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा छत्तीसगढ़ या जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ वीडियो लाइव और मैं वैभव राजपूत हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आज के नए ब्लॉग्स में। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज मैं आया हूं मेला घूमने के लिए शांति पारा जो कि अंबिकापुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और हमारे सरगुजा ज़िले का सबसे फेमस, बोलना चाहिए आज तक का रिकॉर्ड है कि सबसे अच्छा जो मेला होता है दशहरा मेला वो शांति पारा का होता है। तो चलिए हम लोग एक्सप्लोर करते हैं आज शांति पारा का मेला। तो इस तरह से दोस्तों ये नेशनल हाईवे से ही लगा हुआ है, अंदर में यहाँ पंडाल लगा हुआ है और ये देख सकते हो इस तरह से यहाँ का क्राउड देखो आप लोग, तो समझ सकते हो कि यहाँ भीड़ किस तरह से होता होगा। दोस्तों इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि चलो हम लोग अभी पंडाल की ओर चल रहे हैं और ये देख सकते हो यहाँ का गेट है और उधर पीछे रावण बना हुआ है वो भी हम लोग देखने के लिए चलेंगे। भाई भीड़ दिखाते हैं सबसे पहले आप लोगों को कि किस तरह से यहाँ के क्राउड हो रखे हैं, है ना भाई यार। सामने देखो दुर्गा माता का पंडाल लगा हुआ है, ये देखो होगा, और क्राउड देखो भाई क्या ही खतरनाक हो रखे हैं एकदम। और सामने यहाँ स्टेज है, वहाँ ऑर्केस्ट्रा होगा, छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम है। चलो हम लोग आगे चलते हैं और मेरे साथ आया है जितेंद्र, कई सारे ब्लॉग में आप लोगों ने जितेंद्र को देखा ही होगा, तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं। हेलो हाय भाई, भीड़ तो बहुत हो रखे हैं और ये देख सकते हो तरह तरह के गुब्बारे सब बच्चे लोग बेच रहे हैं। और यहाँ दिखाते हैं आपको रावण देख सकते हो, काफ़ी बड़ा साइज का बना हुआ है। दोस्तों गांव से क्या होता है कि मेला देखने गांव से अधिकतर लोग आते हैं, तो साग सब्जी अपने साथ बेचने के लिए भी लाते हैं जो गाँव वाले होते हैं। तो देखो वो सब लगे हुए हैं इधर, तरह तरह के आपको सब कुछ दिख जाएंगे। और दूसरे साइड मेला लगा हुआ है, वो भी हम लोग घूमेंगे। भाई मेला का मज़ा है भाई, मेले में ही आता कहते हैं ना, एक से एक आपको देखने को लोग मिलेंगे। और अभी मेरा दोस्त मिला है रूप साहब हमको, है ना, हमारे टीचर जी हैं यहीं के बतौली के ही, और अभी साथ में मिले हुए हैं, फिर अभिनय के साथ हम घूम रहे हैं। और दहन का टाइम लगभग होने वाला है तो सब भी वेट कर रहे हैं दहन होने का। दोस्तों ये दहन का टाइम हो चुका है, देख सकते हो बस जलने वाला है कुछ देर में। दोस्तों आतिशबाजी के साथ इस तरह से आप लोग देख सकते हो, दोस्तों रावण दहन इस तरह से पूरी तरह से लगभग हो ही चुका है। सच्चाई की जीत बुराई की हार, आप भी अपने अंदर के रावण को मारिए। आप पूरे फंसे हैं भाई, देख रहे हो पूरा, इधर भी भीड़ है, इधर भी भीड़ है, इधर भी, और हम लोग बीच में ना ऐसा इस तरह से आ गए हैं कि जाने के लिए वहाँ हम लोग को रास्ता नहीं मिल पा रहा है भाई यार, का ही खतरा भीड़ हो रखे हैं देखो। और इस तरह से हम लोग वो सिंगल रास्ते से इस तरह से इसमें से आए हुए हैं और पीछे जितेंद्र और अविनाश पीछे छूटे हुए हैं। चलो देखते हैं, और इधर अभी और आगे जाना है, माता रानी के दर्शन के थोड़ा सा ही बस बाकी है। हमारे भी दोस्तों ये माता रानी का दरबार है, ये आप लोग देख सकते हो, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए घर बैठे माता रानी का। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, जय माता दी। दोस्तों मेला में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक भव्य और इतना क्राउड लोगों को दिखाता हूँ कि इतने सारे लोग भाई जहाँ देखोगे आपको मेला में ना खिलौना ही दिखेंगे आपको,
ये देख सकते हो तरह तरह के खिलौने बच्चों के लिए, गाड़ी हो गए, इधर देखोगे तो खिलौना ही खिलौना दिखेंगे आपको। लेने वाले भी वैसे ही हैं और दुकान उधर देखोगे तो बहुत बड़ा एरिया में लगा हुआ है, आगे झूला वगैरह भी है, सब आपको देखने को मिलेगा। वाह भाई, मेला में ना ये सब भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी दिवाली आ रहा है तो ये लाइटिंग वगैरह सब कुछ है, चश्मा यही सब देखने को मिलेंगे। चलो मेला का देखो, यहाँ कुछ क्या बोलना चाहिए, कॉस्मेटिक टाइप से आइटम है। इधर देखोगे तो चश्मा वाला आइटम है, चश्मा ही चश्मा दिखेंगे। बाजार सब में चश्मा घड़ी हो गए ये सब कुछ बिकते हैं। भाई लोग को देखोगे तो सब ट्राई कर रहे हैं, क्या है कि मेला में ही लोग अक्सर देखते हैं कर। ये देखो ना भाई, सबको याद है आप लोग बराबर एकदम। दोस्तों फोटो शूट का ऐसा प्रचलन चला है और इस तरह से देखो, और भाई ये देखो ये टैटू गुदवाने का ना जो प्रचलन बढ़ा है, क्या गजब का है। दर्द तो इतना दे रहा होगा लेकिन क्या नहीं क्या बाबू। अरे दोस्तों ये कंप्लीट हो गया, क्या बात है भाई, क्या नाम लिखे? देवराज। देवराज क्या बात है भाई, मस्त भाई यार, प्यार दिख रहा है भाई, प्यार दिख रहा है भाई, क्या बात है, क्या बात है। और देखो बारीकी से देखो कितना है कि हाँ, अरे मेरा अंदर का दर्द ऐसा जग जा रहा है लग रहा है। हेलो, कहाँ से आप लोग? हम लुंड्रा के हैं। लुंड्रा से हो, क्या बात है। तरह तरह के दोस्तों आपको चश्मा मिल जाएंगे यहाँ, साथ में अगल बगल देखा जाए। नमस्ते, कैसे? ठीक है भैया। और इधर ग्लास वगैरह ना आपको यही मेला में ही देखने को मिल जाएंगे लगाने के लिए, आजकल बहुत ज़्यादा सुविधा दे दिए हैं लोगों को। भाई झूला झूलने का भी एक अलग ही मज़ा है। इधर देखोगे तो भाई सब तरफ माहौल ही माहौल है एकदम, झूला का झूलने के लिए देख रहे हो ना दोस्तों। मेला का असली मज़ा झूला झूलने में ही आता है, और यहाँ देखो झूला झूलने वाले लोग भी और उसके साथ जितने लोग भी रहते हैं ना वो सब भी एकदम पूरा टकाटक लगे हुए हैं इधर आगे तक वैसे ही। दोस्तों ये छोटा झूला है जिसको पैर के सहारे से ही झूलाते हैं। देखो अभी लोग बीच में अंदर घुस गए हैं, शुरू किए हैं, और एक दो तीन चार चार झूले हैं, उसको रेमटा झूला बोलते हैं गांव में, आपके साइड क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। भाई चलो झूला सबका रेट सब पूछते हैं, क्या क्या रेट ले रहे हैं, कैसे लगाए भाई? 40 रुपया एक जन के। अरे वाह, 40 रुपये। हाँ भाई एकदम फुल फुल है, अच्छे से। अच्छा आप लोग कभी कहाँ से भाई? आप लोग नवानगर से आए हो? अरे वाह, आप नमस्कार, आपका लाइकर हूँ। ओके थैंक यू। तो देखो ये झूला झूलने के लिए अभी लाइन लगे हुए हैं, इधर भी शायद झूला झूलने के लिए जा रहे होंगे। मजा ले ले, ये पूरा आगे ले देखो लेना है क्या आपको भी? भाई को बोल रहा है उनको भी लेना है क्या? शर्मा मत यार भाई, शर्माना जरूरी है। तो भाई ये देख सकते हो आप लोग, इस तरह से बहुत बड़ा खिलौने का दुकान है यहाँ, लोग ले ही रहे हैं। इधर देखोगे भैया बनाम देख लीजिएगा, बहुत चोरी कर रहे हैं भाई, बता रहा है देखो कैसे। अरे नमस्कार, कैसे कैसे आकर जी, नमस्कार। ये सब यही बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के हीरो लोग हैं भाई, लोग सब के हीरो लोग हैं, बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ, बहुत बढ़िया। दोस्तों जैसे मेला में भीड़ दिखाई दे रहा है वैसे दुकानों में भी भीड़ आपको दिखाई देगा। ये देखो बहुत खचाखच भीड़ है भाई, सामान लेने के लिए भी लोग एकदम भरे पड़े हैं। उधर देखोगे तो उधर भी देखोगे तो सब एकदम धकाधक पड़े हैं। आप लोगों ही बनाना है, कहाँ से आप लोग? अच्छा यहीं से है, ठीक है ठीक है। तो भैया लोग का देखो पूरा दुकान लगा हुआ है, इधर देख सकते हो पूरा बैग, और यही दुकान भी है क्या बतौली में?
कान्हा कॉस्मेटिक। हाँ मस्त लग रहा है भाई, एकदम जबरदस्त। देखो बहुत प्यारी सी डॉल लग रहा है। हे हेलो हेलो हाय हेलो भाई, माहौल है भाई इधर। हेलो भाई, मेला का भी एक अलग ही स्वैग है। हाँ एकदम स्मार्ट भाई, एकदम कतई जहर। तो इस तरह से देखो लोग ना अपना जलवा बिखेर रहे हैं, ये होता है मेला भाई। दोस्तों हम लोग अभी रात भर घूमे थे, उसके बाद सोने चले गए थे। रूपसाय सर के साथ कहाँ गए यार? हाँ हेलो, इनके रूम में सोने चले गए थे और उसके बाद फिर अभी फिर से आए 7 बजे सुबह का। देखो सुबह भी ऐसे ही भीड़ आपको दिख रहा है भाई, मतलब रात भर हम लोग किस तरह से यहाँ इंजॉय किए होंगे आप लोग सोच ही सकते हो। लगभग कोई 1 से 1.5 बजे के बीच हम लोग रूम गए थे सोने के लिए। और भाभी काका ले रहे हैं, भाभी काका ले रहे हैं। और सही बात है, मात्र 10 रुपये अभी तक खर्चा किए हैं। भाभी को बोल रहे हैं कि जो ले रहे हैं लीजिए बोल के, लेकिन ले ही नहीं रही हैं। और इधर देखोगे तो काफ़ी चीज़ है अभी दुकान में, देखो सेलिंग चल ही रहा है भाई धकाधक तरीके से। दोस्तों मेला से हम लोग अब लगभग घूम लिए हैं और इतना सारा रूम के लिए हम लोग सामान लिए हैं बोल सकते हो। ये पूरा जो इतना लटर पटर है प्लास्टिक सामान, तो हम लोग के सबका ज़रूरत था, मतलब सर लोग को। तो मेला सब लगभग लगभग घूम लिए और ये मेला लगभग 40 सालों से लगभग यहाँ लग रहा। और बताइए आपका ठेला है अन्ना वाला? अरे वाह। चलिए दोस्तों आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। बाय बाय मेरे दोस्तों।